आजकल के दौर में जल्दी बच्चियों की शादी कर देना वो उनके साथ एक तरह का एक जुल्म है hmm. क्योंकि लेकिन इट हैपनिंग जाहिर hmm. है सिर्फ शहरों में शायद हालात बेहतर हुए हैं hmm. अभी भी आप hmm. इंटीरियर में जाएं तो आपको यही नजर आता है कि बच्चियों की बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती है hmm. तो उनकी शख्सियत ही नहीं उभर के आती है और मतलब वो मैच्योरिटी नहीं मिलती वो नहीं उस तरह से आप आती। में नहीं आप और आती वो जिंदगी की उस तरह से समझ ही नहीं आई होती कि जो वो हो है, कि जो है, है। so, वो ये हो जाता है हालांकि जो है वो नहीं होनी चाहिए बट लेकिन पंजाब में नहीं है तो वो यहाँ क्या कर देते हैं पाकिस्तानी कौम तो बड़े इस तरह की जुगाड़ टाइप की है तो वो तो सब कर लेते हैं अगर मैं वो आर्टिस्ट को देखता हूँ अगर मैं जो है वो उसकी राइटिंग को देखता हूँ और मैं उस उस पैशन को जब मैं देखता हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है तो इवन अगर हमारे यहाँ इतना टैलेंट है इतना पोटेंशियल है तो फिर ये क्यों इंडस्ट्री इस्टबलिश नहीं हो पा रही देखें ये ये तो हमारी रियासत की नाकामी है बहुत बड़ी नाकामी है और सिर्फ इसमें ही नहीं क्योंकि अब ज़ाहिर डिजिटल मीडिया आ चुका है या ड्रामे हैं या फिल्म है तो उसमें आपको काफ़ी मार्जिन मिल जाता है लेकिन ये ऐसा मीडियम है जिसमें आपको अगर हुकूमत की तरफ से या आपकी जो रियासत है उसकी तरफ से अगर नहीं है सपोर्ट तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक तो पहली बात यह है कि यहाँ पर मुझे इस्लामाबाद में नज़र आता है कि इतने सारे बने हुए हैं पी एन सी है या अकेडमी है ऑडिटोरियम हाँ। 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 कोई कमी नहीं है ना ये, ये इस पे साधिक आता है क्योंकि आप जब भी जाए उनसे बात करने के लिए के भाई हमें ये दे दें होना तो ये चाहिए था कि पी हो गया या और दीगर जितने भी इस तरह के प्लेटफॉर्म है यहाँ पर जितने भी बच्चे काम करने वाले हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दो दो तीन तीन घंटे के लिए आप जगह दें लोग आएंगे आपका भी पैसा जनरेट होगा और लोगों को एक तफरी भी मिलेगी लेकिन हमारे, मेरा ख्याल है कि हमारी किसी गवर्नमेंट को कभी इस तरफ ख्याल ही नहीं आया है तो स्नोबर मैं कह रहा था काफी मुश्किल होता है कि जब जिनके साथ आप इतने कैजुअल हों और फिर हम फार्मल <laughs> देखा <हो>, देखा। <laughs> फिर फॉर्मली <laughs> जब वो गुफ्तु शुरू होती है ना तो आई मीन कि इट्स लाइक थोड़ा सा मुश्किल होता है कि मैं किस तरह से इतना कोई फॉर्मल इंट्रोडक्शन दूँ या जो है मैं उसका जो है वो सवाल बनाऊँ लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के यू आर एन इंस्परेशन मेरे लिए तो इंस्परेशन है मैंने आपको देखा uh, किस तरह से लाइक सिंस लास्ट कोई पंद्रह सोलह साल से मैं जानता हूँ तो स्नोबर नाजिर ने क्या कुछ किया और आइदर इट्स अ क्रिएटिव फ़ील्ड और आइदर व्हेन इट कम्स टू फैमिली के फैमिली को किस तरह मैनेज करना है और साथ में अपना क्रिएटिव जो काम है उसको किस तरह से लेके चलना है सो आई रिमेंबर के इनिशियली तो फिल्म प्रोडक्शन और फिल्म के दिन जो मुझे याद है ठीक hmm. है और फिर उसके बाद जो है वो लिखने की तरफ आपने डी डब्ल्यू के लिए अभी आप लिख रही हैं फिर हम सब के लिए लिख रही हैं वी न्यूज़ के ऊपर आपका जो है वी लॉग आता है और प्लस जो थिएटर वाला अभी आपका जो है पूरा एक सफ़र जो आपका जो है वो जर्नी जो शुरू हुई और आपने डिफरेंट थिएटर प्लेस जो है वो प्रोड्यूस किए और अभी तक कर रही हैं तो ये सारा इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ किस तरह से ये कहना कि शादी के बाद हुआ तो ये गलत होगा हो गया था बहुत पहले से ही जब आई वॉज़ हार्डली टेन ईयर ओल्ड तो उस वक्त ज़ियाआलह का दौर था और मेरे अबू बहुत क्रिएटिव थे तो बचपन से ही उन्होंने अदब की तरफ तो मुझे रागब कर ही दिया था उन्होंने बहुत बुक्स ला के देते थे ख़ास तौर पर रशियन लिटरेचर उस वक्त सोवियत यूनियन मौजूद था तो जितनी भी मैक्सिम गोर की चेख दस्तवंसकी की और इन जितने भी बड़े राइटर्स थे टोल के तो बहुत कम उम्र में ही वो बच्चों की जो एक फ़िक्शन थी वो ला के देते रहे तो वो पढ़ती रही उसके बाद फिर अबू दस्तक का हिस्सा बने दस्तक असलम अज़हर साहब ने जो कि टीवी के फाउंडर थे पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर के तो उन्होंने और मंसूर सईद साहब इन्होंने मिल उसको इस्टाब्लिश किया तो वहाँ मेरे अबू जाते थे तो वो फिर मुझे भी साथ लिया ले लिया करते थे क्योंकि आई वॉज़ द एल्डस्ट चाइल्ड तो मुझे याद है कि मैं अबू के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ के सर्दी गर्मी हर तरह उस वक्त स्ट्रीट प्लेस किया करते थे क्योंकि रिसोर्स नहीं थे और असलम साहब चाहते थे कि तमाम मुख्तलिफ़ तबकात के लोग उस ग्रुप का हिस्सा बने ये एटीज़ की बात है या ये ना? बिल्कुल बिल्कुल लेट एटीज़ की बात मैं कर रही हूँ एटी एट एटी नाइन की तो बस उसमें जा जा के देखना कि भाई किस तरह से ये चीज़ें होती हैं तो वो कहते हैं ना कि बचपन से ही जो आपको सिखाया जाए वो आपका उम्र भर पीछा करता है तो थिएटर की तरफ आना या स्टोरी टेलिंग वो बचपन से जब आप सुनते हैं या देखते हैं और जो करते हैं तो वो फिर आपके ज़िंदगी का हिस्सा बना होता है लेकिन चूंकि शादी जल्दी हो गई तो वो चीज़ें जरा रुक गई थी लेकिन उस वक्त मेरा ख्याल है उस एज में वो शायद फैसिनेट भी काफी ज्यादा करती होगी आई I मीन mean के व्हेन इट कम्स टू थिएटर और वो एटीज के अंदर और वो अदाकारी स्टोरी टेलिंग और वो दास्तान गोई तो वो तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंस्पायर भी करती होगी बहुत इंस्पायर भी करती है और फिर बड़े लोगों को देखना आ, जैसे मैं अभी भी या तो मेरी दोस्तियाँ होती हैं अपनों से बड़ों से या छोटों से अपनी उम्र के जितने भी मेरे जो क्लास फेलोज थे मुझे लगता है वो कहीं बहुत पीछे रह गए दिमागी तौर पर मैं उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ तो मुझे वही लोग अपने करीब महसूस होते हैं जो कि आपसे आपके जहनी सतह के बराबर हों तकरीबन। तो उसमें यह हुआ था कि ज्यादातर जा, लोग ऐसे थे जो कि बहुत स्ट्रगल के बाद आए थे और चूंकि जाहिर पूरा एरा ही रिजीम जो थी हमारी उस वक्त वो थी ही एक डिक्टेटरशिप के अंडर तो उसमें जो लोग जिस तरह से एक जद्दोजहद कर रहे थे वो वाजें नज़र आती थी उन प्लेज में तो ज़्यादातर जर्मन प्लेज होते थे और उनको तर्जुमा करके उर्दू में किया किया जाता था दस्तक में तो फिर एक एक दो ड्रामों का हिस्सा मैं भी बनी और उस वक्त बड़ा अच्छा लगता तो उस वक्त ये लगा कि यार मैं ड्रामे का हिस्सा बन रही हूँ तो चूँकि मेकअप बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था तो आई वॉज हार्डली फिफ्टीन ईयर ओल्ड तो मैंने सोचा कि अलाउ नहीं होता था उस वक्त मेकअप करना तो मैंने सोचा कि अब मैं चूंकि पार्ट ऑफ दिस प्ले तो मेरा भी मेकअप होगा मैं चलती हुई चली गई कि भाई मुझे मेरा भी मेकअप कर दें लाइन में लग गई तो मुझे याद है वो टी वी की एक मेकअप आर्टिस्ट थी उन्होंने मुझे देखा कहने लगी कि बेटा तुम क्यों आई हो यहाँ तो मैंने कहा मेकअप करवाने तो कहने नहीं बिल्कुल नहीं आप तो तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है आप तो इतनी अच्छी हैं ये वो करके उन्होंने और वो दिन मुझे इतना मुझे रोना आया मैंने कहा लो मैंने तो ड्रामे में रोल प्ले इसलिए किया था कि मैं शायद मेकअप कर पाऊंगी लेकिन जोक्स अपार्ट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस और अब तो जो है वो मेकअप की जरूरत ही नहीं फिल्टर से आ गए हैं <laughs> आ गए बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल अब तो जो हम डिजिटल मीडिया की बात करते हैं ये तो 80s की बात है और अगर हम आज की बात करते, करते हैं तो अभी स्नैपचैट हो गया टिकटॉक हो गया इंस्टाग्राम इवन फोन में फिल्टर और वो फोन के इंटरनल कैमरा के अंदर इतने फिल्टर्स आ चुके हैं कि आप अपनी अपनी असल शक्ल ही नहीं भूल जाती भूल जाती है बिल्कुल बिल्कुल अच्छा 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 सो दैट वाज द आई आई वुड से कि वो सीट था वो बीच था कि जो है मतलब वो चूँकि एक कनेक्शन उसके बाद जो है बन गया एंड फिर उसके बाद आई हैव यू कि आप फिल्म की तरफ आई और आपने जो है उसको स्टडी किया बल्कि हम दोनों ने एक साथ, साथ है। जो है वो एक एक वो शॉर्ट एक कोर्स था वो हमने किया और वहाँ पे हम कनेक्ट हुए और कुछ अक्सर हम करते रहे और फिर एवेंचुअली जो मैं ज्यादा जानना चाह रहा हूँ कि आई मीन कि मैंने हमेशा आपका देखा कि आपका लिखने की तरफ काफ़ी ज़्यादा रुझान था और जो आपकी स्टोरी टेलिंग है वो हमेशा से बड़ी स्ट्रॉन्ग थी mm. तो ये जो uh, स्टोरी टेलिंग की तरफ आप uh, आई mm. और आपने जिस तरह से वो लिखना शुरू किया और आई हैव रेड लाइक नॉट ऑल ऑफ़ योर कॉलम्स या स्टोरीज लेकिन सम ऑफ देम एंड वेरी टचिंग मतलब आपको फ़ील होता है आपकी कहानी है mm. तो वो जो लिखने वाली जो चीज़ थी वो दोबारा से किस तरह से आपने शुरू की या वो हमेशा से थी मेरे ख़्याल से कहीं थी अंदर ज़ाहिर है आपके बहुत सारे और दूसरे काम होते हैं या आपकी जो फैमिली लाइफ होती है या आपका जो सर्कल होता है वो आपको उससे निकलने नहीं देता स्पेशली किड्स क्योंकि एक तो कम उम्र में शादी हो गई फिर बच्चे तो वो सारे एक्सपीरियंसेस थे मेरे साथ और लेकिन आ, इंपॉर्टेंट बात मेरे लिए ये थी कि तीन बच्चियां हैं तो उनको जो आम मोनोटनी है उससे निकालना है तो पहले तो उन पे काम किया अगर अपने आप पे काम करती तो शायद आज कहीं मैं बहुत ऊपर होती लेकिन मैंने सोचा कि नहीं आप अभी भी भी ऊपर ही हैं मतलब ऊपर कितना या उपर... यानी कि ऊपर यानी अलमी के पास हाँ ये भी हो सकता है <laughs> नहीं अभी इसलिए रुक गए कि खैर तो बच्चियों को आ, का था कि पूरा फोकस मेरा बच्चियों पे रहा अब कहाँ तक कामयाब रही आ, कम से कम इतनी अपने आप को कामयाब ज़रूर समझती हूँ एक माँ के तौर पे कि उन्हें माशरे के बारे में और जो दूसरी जो रियलिटीज़ हैं उनके बारे में उनको हकीकत से आगा कर दिया और उन्हें एक एक वो वो मकाम दे दिया जो लड़कियां बहुत देर में जाके हासिल करती हैं क्योंकि मेरे नज़दीक चूंकि मेरी खुद जल्दी शादी हो गई थी हुँ. मैं ये चाहती थी कि बच्चे क्योंकि आजकल के दौर में जल्दी बच्चियों की शादी कर देना वो उनके साथ एक तरह का एक जुल्म है हुँ. क्योंकि लेकिन इट इज है सिर्फ शहरों में शायद हालात बेहतर हुए हैं hmm. अभी भी आप hmm. इंटीरियर में जाएं तो आपको यही नज़र आता है कि बच्चियों की बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती है hmm. तो उनकी शख्सियत ही नहीं उभर के आती है और मतलब वो टी नहीं मिलती maturity. वो मिलतीगी नहीं उस तरह से आप आती। में नहीं आप और आती है। वो जिंदगी की उस तरह से समझ ही नहीं आई होती कि जो वो हो है वो ये हो जाता है हालांकि सिंध गवर्नमेंट का जो चाइल्ड मैरिड एक्ट है सो so वो प्रिवेंट करता है कि अंडर 18 जो है वो नहीं होनी चाहिए बट लेकिन पंजाब में नहीं है तो वो यहाँ क्या कर देते हैं हाँ, तो हमारे कर देते। पाकिस्तानी कौम तो बड़े इस था, की अब उसके बाद थिएटर चूंकि बनाए हुए सिर्फ ढाई साल ही हुए हैं और हुँ, लिखना लिखते हुए चार पांच साल हुए तो आपने थिएटर का जो आपका थिएटर ग्रुप है उसका जो नाम है वो है कहाँ से आया इसकी क्या कहानी है सवांग ये तो सच्ची बात है कि ये जो हम क्योंकि हम दो बहनों ने मिलकर बनाया है तो वो मेरी बहन ने मुझे कहा कि ये हम इस ये नाम रखते हैं तो मुझे भी अच्छा लगा कि बहुत डिफरेंट सा है दो के आज कल ये ऐसे अल्फाज मतरूक हो गए ना उर्दू के हुँ, हुँ, लेकिन चूंकि उर्दू है भी नहीं पंजाबी में भी इस्तेमाल होता है सिंध में सिंधी में भी हर काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में इस्तेमाल जिसका मतलब है बहरूब भरना तो हमने कहा ठीक है ये नाम अच्छा रहेगा मेरा ख्याल से इसका हमें शायद फायदा भी हुआ है क्योंकि लोग थोड़ा सा उसमें अट्रैक्शन फील करते हैं इस नाम में तो। आ, वो जो है अच्छा और फिर जो, जिस वक्त सवांग बना आ, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे बदकस्मती से जो थिएटर है उसकी मतलब वो कल्चर नहीं है हुँ. और अगर एक वक्त में जिस तरह आप बता रही हैं दस्तक एटीस में उस वक्त था मैं तो वो विटनेस मैंने नहीं किया लेकिन आई डोंट नो जब से मुझे शौर आया है और जब से मैंने देखना शुरू किया है और जिस तरह का थिएटर से मैं एक्सपोज हुआ हूँ लाहौर के अंदर <laughs> आई मीन I mean के जो इट्स मोर अबाउट जो है वो आ, वो गाने मुजरा और फन और जुगत मतलब ये वाली चीज़ देखी जो एक्चुअल जो थिएटर है या जिसकी हम बात करते हैं तो वो नहीं इस तरह देखने को मिला बहुत कभी साल बाद कोई अच्छा प्ले आ गया वो भी कम ही हुआ करता था अब शायद थोड़ा सा आया रुझान तो इस सारी फिजा के अंदर आपने कैसे सोचा कि यार हम ये थिएटर ही करना है और हमें इसको लेके चलना है देखिए पंजाब की सूरत हाल मुख्तलिफ है अगर आप कराची में देखें तो कराची में हमेशा से सीरियस और अच्छा थिएटर होता रहा है वहाँ ये आगतबाजी भी होती रही है जैसे उमर शरीफ साहब के होते रहे हैं शोज वगैरह लेकिन महदूद पंजाब में या लाहौर में जैसे जो अलहमरा का होता है तो वो उस तरह के तो खैर कराची में कभी भी मैंने नहीं देखे हैं वो एक यानी मैं कहूँगी वो वलगर है ज़ाहिर है आपके कुछ चीज़ें हैं जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हुँ हुँ तो चूंकि मेरी तो अपब्रिंगिंग कराची की हुई भी है वहीं का थिएटर देखा है तो मेरे जहन में था कि थिएटर लेकिन आ, आप सही कह रहे हैं कि जब ये शुरू किया तो जिससे भी हमने जिक्र किया कि भाई हम एक थिएटर कंपनी बना रहे हैं या थिएटर प्ले करना चाहते हैं तो सबके के जहन में सबसे पहले यही छपाका जो होता है ना आ, आ, वो आता है उनके जहन में कि वही चीज़ पॉपअप होती है कि वही मुजरा होगा वही वलकर डांसेस होंगे वही जुगतबाजी होगी वही बदतमीज़ी होगी तो फिर उनको बताना पड़ता है बाकायदा कि नहीं भाई हम सीरियस प्ले करना चाह रहे हैं जिसमें हम खातन ईशूज़ पर भी बात करेंगे बच्चों के ड्रामे होंगे या हमारा जो क्लासिकल अदब है उस पर उसको हम दोबारा से रिवाइव करेंगे मैं जाती तौर पे अपने राइटर्स को ज़्यादा प्रमोट करना चाहती हूँ जिनके बारे में आज हमारी नस्ल को नहीं मालूम है तो इसी वजह से मैंने मंटो हो गए और भी दूसरे अभी हम काम कर रहे हैं तो मेरा यही है हाँ ठीक है जब आपको फंड वग़ैरह मिले किसी एम्बसी से तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि फिर हम फ्रेंच प्ले राइटर्स को भी इस तरह से उनके भी प्ले डायरेक्ट करें या अगर जर्मन एम्बेसी वाले हमें कुछ फंड तो देते हैं तो अभी भी तक भी जो प्लेस आपने किए और जो मुझे भी देखने का इतफ़ाक हुआ जैसे सो बरस की कहानी और फिर लक़ीर और फिर आओ ड्रामा करें तो आई के काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है अगर मैं वो आर्टिस्ट को देखता हूँ अगर मैं जो है वो उसकी राइटिंग को देखता हूँ और मैं उस उस पैशन को जब मैं देखता हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है तो इवन अगर हमारे यहाँ इतना टैलेंट है इतना पोटेंशियल है तो फिर ये क्यों इंडस्ट्री इस्टबलिश नहीं हो पा रही देखें ये ये तो हमारी रियासत की नाकामी है बहुत बड़ी नाकामी है और सिर्फ इसमें ही नहीं क्योंकि अब जाहिर डिजिटल मीडिया आ चुका है या ड्रामे हैं या फिल्म है तो उसमें आपको काफ़ी मार्जिन मिल जाता है लेकिन ये ऐसा मीडियम है जिसमें आपको आ, अगर हुकूमत की तरफ से या आपकी जो रियासत है उसकी तरफ से अगर नहीं है सपोर्ट तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक तो पहली बात यह है कि यहाँ पर मुझे इस्लामाबाद में नज़र आता है कि इतने सारे बने हुए हैं पी एन सी है या अकेडमी अध्ययक ऑडिटोरियम्स की कमी नहीं है खाली पड़े शहर में ऑडिटोरियम्स की कतन कोई कमी नहीं है लेकिन वहाँ कव्वे बोल रहे हैं ये बिल्कुल जो मुहावरा है ना ये इस पर सादिक आता है क्योंकि आप जब भी जाए उनसे बात करने के लिए कि भाई हमें ये दे दें होना तो ये चाहिए था कि पी हो गया या और दीगर जितने भी इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं यहाँ पर जितने भी बच्चे काम करने वाले हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दो दो तीन तीन घंटे के लिए आप जगह दें लोग आएंगे आपका भी पैसा जनरेट होगा और लोगों को एक तफरी भी मिलेगी लेकिन हमारे मेरा ख्याल है कि हमारी किसी गवर्नमेंट को कभी इस तरफ ख्याल ही नहीं आया है अच्छा लेकिन जब आप मिलते हैं इवन गवर्नमेंट के लोगों से मिलते हैं वो भी हमारे ही दोस्त हैं जो कि उधर बैठे हुए हैं और जब उनसे गुफ्तु होती है तो उनकी गुफ्तु भी यही होती है कि यार हमने करना है काम मिल करना है अभी लोक विरसा में हो तो कोलेबरेट तो करते हैं अभी पी एन में हो तो हम ये करते हैं और हम इसका पूरा लैंडस्केप हम चेंज कर देंगे लेकिन एवेंचुअली जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं अमली तौर पे जो है वो कुछ नज़र नहीं आता कतन को ही नज़र नहीं आता और ब्यूरोसी जो है ना वो बहुत आपको तंग करती है अगर आपके कहीं पर कोलेब्रेशन हो भी जाता है हमने भी काम किया कोलेब्रेशन में लेकिन उसके जो नतज भुगतने पड़ते हैं उसके बाद आप कानों को हाथ लगाते हो कहते हैं कि नहीं भाई इससे तो बेहतर है कि आप अपने छोटे मोटे रिसोर्स में काम कर लें और छोटे प्लेटफॉर्म पर कर लें इतने बड़े बड़े इदारों में जाने के बजाय तो लेकिन ये एक तरह से बदनसीबी है थिएटर से के जो पैशनेट जो अदाकार हैं या जो डायरेक्टर हैं जो कि इतने छोटे छोटे रिसोर्स में काम कर रहे हैं मैं अपनी टीम को देखती हूँ वो मुझे फ़ोन करके ख़ुद कहते हैं कि आप कब नया प्रोजेक्ट आ रहा है यानी मुझे हैरानी होती है क्योंकि सर्दी हो गर्मी हो आपको आ, आफ्टर वर्क है सब जॉब भी कर रहे हैं सर्वाइवल ये, इसके, इससे तो कोई पेट नहीं भरता है आपको एक पीनट्स भी नहीं मिलते हैं कभी कभी तो बिल्कुल हम खाली हाथ होते हैं तो आप आ रहे हैं पेट्रोल लगा के गाड़ी में आ रहे हैं मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं या किसी उबर करवा के आ रहे हैं और महीना तकरीबन आपको चाहिए होता है रिहर्सल में ठीक है उसके बाद आपको एक ऑडियंस भी ना हो या आप अच्छा सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि आप जब टिकट भी रखते हैं जो कि मैं बहुत कम रखती हूँ 500 600 तो उसके बावजूद लोग कहते हैं कंसेशन नहीं मिलेगा फ्री में नहीं मिलेगा एंड मैं सोचती हूँ कि यार ये वो कॉम है जो जूते लेने के लिए या एक बर्गर खाने के लिए हज़ार दो हज़ार फेंक देती है और एक अच्छी इंटरटेनमेंट देखने के लिए इनके पास पाँच नहीं है तो चले ये तो फिर चले आप पाँच सौ टिकट रख देती हैं ना हम तो फ्री में डॉक्यूमेंट्रीज की स्क्रीनिंग रखते हैं भी तो मुफ्त तो उसमें भी नहीं तो आते, <laughs> तो भी नहीं भी आते भी क्योंकि वो कॉन्टेंट शायद चाहिए ही नहीं है लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि देर इज दिस ऑडियंस मतलब वो नीच है वो ऑडियंस है जिसको अच्छा कंटेंट चाहिए वो उसको एक्सपीरियंस भी करना चाहती है बट स्टिल आई डोंट नो कि शायद वी आर लेजी पीपल और वर्ट के ट्रेनिंग नहीं है ट्रेनिंग होती है देखें माशरे की भी ट्रेनिंग होती है जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान साथ ही आ, वो हुए हैं ना आज़ाद हुए हैं कहें या सेपरेट हुए हैं जो भी कह लें आप तो उसका वहाँ पर गवर्नमेंट ने शुरू से ही इतनी तेज़ी से अपनी आ, चीज़ों को रिफ़ाइन किया और चाहे वो थिएटर है फिल्म है उन्होंने हर चीज़ को फ़ंड करना शुरू कर दिया और बेशक आवाम आए ना आए वहाँ पर डांस परफॉर्मेंस भी हो रही होंगी वहाँ पर ड्रामा भी हो रहा होगा और एक नहीं वहाँ पर हजारों ऐसे ऑडिटोरियम्स मौजूद हैं जो कि हुकूमत की सरपरस्ती में चलते हैं और वहाँ पर जो काम करने वाले उनको हुकूमत पैसा देती है बेशक वहाँ पर ऑडियंस आ रही है कि नहीं आ रही और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं मैं खुद गई हूँ मैंने खुद जाके वहाँ पर दो लोग भी बैठे हुए होंगे तो परफॉर्मेंस होगी तो ये ट्रेनिंग होती है तो फिर आवाम जब देखती है कि यार गवर्नमेंट हमारे लिए इतना एफर्ट कर रही है तो वाई नॉट फिर हमें, हमें फनोन लतीफा के बगैर वो हमारी कौम जो इतनी वायलेंस का जो शिकार है या जो इतनी शिद्दत पसंद होती जा रही है उसके पीछे यही है कि हमारे पास कुछ आउटलेट नहीं है, है बहुत ज्यादा और बेसिकली हम वही बात है की अंदर है हमने कल्चर की ओनरशिप जो है वो ली ही है और हम वी डोंट नो कि वेयर वी बिलोंग कि हमारा जो है वो ताल्लुक़ कहाँ से है हमें कुछ समझ नहीं आता है इसमें और एक अजीब जो है वो कन्फ्यूजन के अंदर है क्योस है ना हाँ क्या है और लेकिन देखें मेरी वैसे भी बात होती है और हमेशा ये बात होती है कि जब तक कल्चर जब तक जो है आपके फ़नून लतीफ़ा आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स है आपका विजुअल आर्ट्स है आई I मीन mean कि ये जब तक आपकी लाइफ uh, का जिंदगी का हिस्सा नहीं बनेंगे तो तब तक जो है वो उस सोसाइटी का प्रोग्रेस करना जो है वो बड़ा मुश्किल है आई मीन नामुमकिन है ठीक ना है।, है जब हम बात वो कहते हैं कि अगर किसी सोसाइटी को तबाह करना है तो सबसे पहले उसके जो सोचने वाले हैं जो लिखने, लिखने वाले हैं जो पढ़ने वाले हैं जो सवाल करने वाले हैं उनको आप ख़त्म कर दें हाँ। उनको दबा दें उनको खामोश कर दें लेकिन वी आर फ्री सोसाइटी तो फिर हमारे यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है फ्री सोसाइटी किसने कहा <laughs> ये तो मुझे लग रहा है कि लतीफ़ा है नहीं हम आज़ाद मुल्क हैं नहीं आज़ाद तो हम आज़ाद मेरे ख़्याल से सिर्फ ये दिखाने के लिए हुए हैं कि हम जो हमारी रूट्स थी उससे हम आज़ाद हो गए क्योंकि हमारी रूट्स जाहिर है जहाँ से मिलती हैं वो सभी जानते हैं इंडस्ट्रिवलाइजेशन से जो कि अगर हो सकता भाई हम बाद में मुसलमान हुए इससे पहले तो यहाँ पर जो लोग थे वो सभी को मालूम है इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता uh, मैं अरब नहीं हूँ ठीक है ना ही जो हमारा वहाँ का जो लिबास है ना हमारा खाना वैसा है अपार्ट फ्रॉम रिलीजन सारी चीज़ें हमारी इंडिया से मिलती हैं सारी चीज़ें हमारी uh, uh, बांग्लादेश से मिलती हैं तो हम तो इसी रीजन के हैं ना तो आजाद कहाँ से हुआ है तो हम हमने इसको एक बना दिया है और फिर दूसरी बात यह है कि जो हमारे इदारे नहीं हुए हैं ना बहुत सारी यानी कि बार बार जो डिक्टेटरशिप आती रही उसके नतीजे में क्योंकि देखें डिक्टेटरशिप का मकसद ही ये होता है कि आप सोचने समझने वाले लोगों को और सोचना समझना कब आता है आप डॉक्टर बना के सोचना समझना नहीं आप इंजीनियर भी सोच आईटी वाला वाला भी नहीं सोचने समझने लतीफा से दिलचस्पी हो जो अदब को देखते हैं तो जब आपको ना हिस्ट्री की हमारे आजकल के आप किसी बच्चे से बात कर लें उनको हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं है कि आज से पंद्रह बीस साल पहले उनके लिए तो यही हिस्ट्री है कि पंद्रह साल पहले या बीस साल पहले इमरान खान ने जब शुरू की थी इससे पहले तो कोई पाकिस्तान में कुछ हुआ ही नहीं वर्ल्ड कप से हिस्ट्री शुरू, शुरू है। होती है हमारी हुँ। तो हुँ। तो ये ये अलमिया है तो फिर जाहिर है फिर रूल करने वाले आप पे रूल कर लेकिन उसको कॉन्शियसली ये रेस भी तो किया गया ना जिस चीज को हिस्ट्री की बात हम करते हैं हर चीज को और ये देखें यहां नहीं हुआ है ये पूरे पूरे दुनिया का मसला बनता जा रहा है अभी ये सिर्फ यहाँ का मसला नहीं है हम समझते हैं कि हमारे यहाँ शिद्दत के साथ है क्योंकि जाहिर है हमारे यहाँ सबको मालूम है कि हुकूमत किन की होती है तो जाहिर है उनके लिए तो यही है कि यार सोचने समझने वाले लोग ना मौजूद हों आस पास लेकिन अगर आप अब देखें जिस तरह से गज़ा में जो कुछ हो रहा है फ़लस्तीन में जिस तरह से इसराइल का जो एक चल रही है जो वॉर चल रही है

राइट uh, विंग right पूरी दुनिया अब पोलैंड में देखें अभी चंद दिनों पहले की बात है कपल ऑफ डेज अगो बिल्कुल बुनियाद परस्त जीत कर आए हैं आप uh, जर्म, जर्मनी में देख लें फ्रांस में देख लें हर जगह अब uh, चीज़ें मुख्तलफ हो रही हैं ट्रंप का आना कोई uh, आसान बात है यानी ट्रंप आया है और हो सकता है अगली दफ़ा फिर आ वो या हमारे यहाँ इमरान ख़ान का आना तो ये चीज़ें तो मेरे ख़्याल से दुनिया किसी तो और दुनिया में एक वेव है वेव इस है इस वक्त जो बुनियाद है परस्ती की रिलीजन परस्ती हाँ। की फंडामेंटलिज्म की एक हम राइट एक जो राइट अप्रोच है की तरफ, वेंग वेंग की तरफ भी है भी भी जो है वो जा रहे हैं तो आई मीन कि जब दुनिया में ये वेव आई हुई है हो रहा है तो फिर पाकिस्तान तो हमने क्या सवाल करना है पाकिस्तान ना तो ना तेरह में नहीं वो आपने बड़ी अच्छी बात की कि जब हम आजादी की बात करते हैं तो हम आजाद जो है वो अपने कल्चर से अपनी सकाफत से आजाद हो होगा इसके अलावा तो कोई भी चीज़ नहीं है मतलब उसके अलावा तो वो वो फ्रीडम की आपको फिर वो आती नहीं है कि लेकिन हम जो महसूस करते हैं अभी जब इवन चले हम इंडिया की बात करते हैं तो हमें अक्सर ये जस्टिफिकेशन दी जाती है कि देखें वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है

क्योंकि देखो आ, बात इम्पोर्टेंट यह है कि आ, अगर मोदी की गवर्नमेंट आज ये कर रही है जब पाकिस्तान बना अभी जाहिर है यह ऐसी डिबेट है जिसपे बहुत सैर हासिल गुफ्तु की जा सकती है <laughs> पाकिस्तान जाहिर है एक मुसलमान मुसलमानों के लिए एक मुल्क बनाया गया <laughs> तो जाहिर है दो कौमें ही थी ज्यादातर देखा जाए तो पाकिस्तान मुसलमान और हिंदू तो जब पाकिस्तान का मतलब है पाक सरजमीन यानी <laughs> पाक जमीन तो पाक जमीन में मुसलमान ही आए तो जो पीछे रह गए मुसलमान तो हिंदू तो उस वक्त कह सकते थे कि भाई आप जाए आपका तो मुल्क बन चुका है हाँ ये हमारा हिंदुओं का मुल्क है हम हिंदुस्तान नाम ही है उनका हुँ. लेकिन चूंकि वहां रहा रहे क्योंकि उन्होंने सिस्टम बनाया उन्होंने कहा कि नहीं सब साथ रहेंगे तो अब मोदी की गवर्नमेंट ने आके अगर ये सब कुछ कर रहे हैं तो उसकी जस्टिफिकेशन हमने खुद मुहैया की है हुँ. हम उन्हें ये बार बार हर कुछ अरसे के बाद ये जस्टिफिकेशन देते रहे कि भाई पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना है और वहां के जो मुसलमान हैं वो उनको भी वापस यहीं आना चाहिए बे, बेशक आप रख नहीं सकते और फिर हमारा अब्दुल कलाम ने तो पहले ही कह दिया था कि ये एक गैर फितरी तकसीम है तो वो बांग्लादेश का बनना दो कौमी नजरिए की एक तरह से फ्लॉप ही होना है हाँ, कि वो तो दो कौम, कौमी नजरिया दोस्तों इन फिर खत्म हो गया ना अगर सिर्फ अगर सिर्फ मजहब के ऊपर या हम जो है वो मजहब पे मजहब पे मुल्क नहीं बनाए जाते कौमियतों पे बन जाते हैं और वही वही हिंदू वही सिख वही क्रिश्चियन वही सब कुछ इंग्लैंड में जर्मनी में या जितने भी अमेरिका कनाडा में एक एक कमरे में शेयरिंग में रह रहे होते हैं वहां उनको कोई मसला नहीं होता तो वाई नॉट अस तो भाई इसको भी लूज फेडरेशन में कर दें और अपनी जिंदगी सुकून से गुजारने की आदत डालें बस यही है तो हम तो यही ड्रामो में यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि यार थोड़ा सा पार्टीशन का जो थीम है बेसिकली उसका भी जो मैंने आखिरी प्ले देखा हाँ कि जो जो बेसिकली जो पार्टीशन थी और जो उस वक्त की कहानियाँ थी किस तरह से उसने एक आम इंसान को अफेक्ट किया किस तरह से उसने इंसानियत को किस तरह से उसने ह्यूमैनिटी को जो है वो अफेक्ट किया और आई स्ट्रॉगली फ़ील कि जो हम अभी ये बात कर रहे हैं कि हम अपनी तारीख भूल चुके हैं और वी आर टोटली डिसकनिकटेड और अभी जो आज की जो जनरेशन है जिसमें शायद मैं भी हूँ आप तो आगे चली चले गए तो वो जो है वो हम लोग भूल चुके हैं तो स्टोरी टेलिंग इज द बेस्ट वे कि हम जो है कि थ्रू स्टोरी टेलिंग वो कहानियां सामने लेके आए और उनको जो है वहां तक बताएं लेकिन बत, सवाल ये है कि आप यूथ को किस तरह से एंगेज करोगे उस ऑडियंस को आप किस तरह से एंगेज करोगे इस तरह की स्टोरी टेलिंग के अंदर लिखने का मकसद भी मेरा यही है लिखना तो मुझे आर्टिकल होता है सच्ची बात ये है क्योंकि ज़ाहिर है जब डी डब्ल्यू के लिए लिखती हूँ या वी वी न्यूज़ के लिए वी लॉक करती हूँ या हम सब के लिए तो लिखना तो आपको करंट अफेयर्स पर है या जो भी करंट आप उस वक्त जो हो रही हैं चीज़ें वक्ू पजीर उन पर लिखना होता है लेकिन अगर आप उसको कहानी के पैराए में लिख दें और उसको माजी से जोड़ दें र मेरा अब पचास साल में या चालीस साल में जो कुछ भी मैंने देखा है मैं एक ऐसे शहर से ताल्लुक़ रखती हूँ कराची जो कि पाकिस्तान का हब है वहां पर हमने अपने बचपन में क्या क्या नहीं देखा तो वो सारी चीजों को अगर मैं आज की जिंदगी पे लागू करती हूँ तो वो कोई इतना फर्क नहीं महसूस होता तो वो उसी आ, आ, उस पीरियड को यानी कि जो मेरा पास्ट है जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसको और उस आ, अभी आजकल जो हो रहा है करंट उनको मैं इस तरह से लिखती हूँ कि ताकि पढ़ने वाले को उसमें कहानी का मजा आए तो इसी तरह से ड्रामे का भी मेरी कोशिश होती है कि चाहे वो मंटो की कहानी हो चाहे राजेंद्र राजेंद्र सिंह सिंह बेदी की हो या कृष्ण की हो या कोई भी एक्स वाई जेड हो उन सब ने वो तारीख देखी है कि कैसे पाकिस्तान इंडिया अलग हुए और क्या क्या हुआ दोनों साइड पे हुआ ना हुँ. तो उन्होंने वो सब लिख दिया अब उसको अब ये हमारा काम है कि नई नस्ल को ड्रामे के जरिए या स्टोरी टेलिंग के जरिए किस तरह से उनको बताना है कि भाई ये थी हिस्ट्री और जंगों का नतज ये होते हैं आसान नहीं है बहुत आसान होता है जंग का नाम लेना लेकिन जंग को जो लोग जिन्होंने इसके असरा देखे हैं और जिस तरह अभी हम विटनेस कर, कर मोबाइल तो फोन है एंड इट इज हार्ट ब्रेकिंग आई मीन यू कांट इवन सी आप उसको देख नहीं सकते नहीं मतलब सकते। कोई थोड़ा सा दर्द रखने वाला इंसान जो है उसका जो है टूट जाता है बिल्कुल ऐसा लगता है मुझे अभी लिखना पड़ा तो अगर मैं जैसे जो फेमिनिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि तुम फेमिनिस्ट नहीं हो तो मेरे नजदीक हर वो औरत फेमिनिस्ट है जो के एक छोटा सा भी टैबो तोड़ती है इसी तरह से अगर आप किसी इस तरह के जेनोसाइड हो रहे हैं या जंग के जो में जो सफर कर रहे हैं उनके बारे में दर्द रखते हैं और अगर आप दो अल्फाज बोलते हैं तो बहुत से लोग चढ़ाई करने लगते हैं कि अपने मुल्क में भी तो देखो क्या कुछ हो रहा है भाई अपने मुल्क पे भी हम खड़े होते हैं बलूचिस्तान में अगर कुछ गलत हो रहा है सिंध में हो रहा है पंजाब में हो रहा है या कहीं पर भी हो रहा है हम उसके लिए भी आवाज उठाते हैं इसी तरह से वहाँ के लिए भी हम क्योंकि एक दर्दमन, दर्दमन जो दिल है वो हर उस अलमिया पे रोएगा या आवाज उठाएगा जो उसको अपील करेगी या जो उसको जो है, वो एफेक्ट करेगा। एफेक्ट कर रहा हाँ। रहा है मतलब आई टेल स्टोरीज और आई मेक फिल्म तो मुझे ये चीज़ें अफेक्ट कर रही होती hmm. हैं मतलब मैं जब वो इनजस्टिस है सोसाइटी के अंदर आई I मीन mean के जो फ्रस्ट्रेशन है तो वो आपको कितना स्ट्रांगली जो है वो अफेक्ट कर रहा होता है और है। हमारी तो जो है आई फील लाइक एस एन सोसाइटी हमारे पास तो वही एक्सप्रेशन की आउटलेट नहीं है हमारे पास तो जब हम परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात कर रहे हैं हम आर्ट्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास तो वो आउटलेट ही नहीं है नहीं हाँ। हमारे पास तो आ,

एंड uh, सिस्टर्स में जो किसी ने फील किया भिल्कुल। है या जो जिसने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया तो वो आपकी आगे जनरेशन में कैरी, में हो कैरी हो रहा होता, होता है और जो बच्चे हैं क्योंकि अब तक जो अभी मैं चूंकि मुझे कॉलम लिखना था तो मैं यही देख रही थी जाहिर बहुत सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं बनाई जा रही हैं वीडियोज हैं और दिखाने वाले दिखा रहे हैं और छुपाया भी बहुत जा रहा है लेकिन उसके बावजूद मैंने दो चार चीज़ें देखी हैं और उसमें से ही मैंने एक कहानी निकाली है वो बेशक दो बच्चियों की कहानी है तीन बच्चों की कहानी है लेकिन उसमें जो दर्द है कि आप चंद लम्हे पहले आप बात कर रहे हैं तीन दोस्त बैठे हुए और उनमें से एक अंदर गया है वापस आया तो दोनों बच्चियाँ खत्म है तो यानी ये और ये मुझसे देखी नहीं गई और जाहिर आप पूरा उससे यानी कि गो थ्रू ओके फिर लिखते हैं ना आप अगर आपके दिल में वो सब कुछ नहीं है वो दर्द नहीं है तो आप लिख भी नहीं पाएंगे वो बहुत हाँ। ऐसा लगेगा कि सब ऊपरी है सतही वो कलम आपका फिर बहने लगता है क्योंकि आप उसको फील तो करें ना जब हम फील तो इस से में देखा जाए तो हम बहुत बेहिस हो गए दुनिया बहुत बेहिस होती जा रही है जो कि मुझे लगता है वो ज्यादा है लम्हा फिक्रिया है क्योंकि बेहिसी नहीं होनी चाहिए हम बेहिस हो चुके हैं नहीं मुझे इसमें जो है ना देखें चूँकि हम इतना आ, हम में टू हो गए इस सारी सिचुएशन से कि अब मुझे याद है कि अभी टू थाउजेंड जब ये नाइन अलेवन के बाद का वक्त था और फिर अफ़गान वार और फिर उसके बाद ये इवन सेवन एट नाइन जब बेनज़ीर भुट्टो वाला जो है वो हादसा हुआ और उसके बाद जो कंटिन्यूस बम ब्लास्ट आप रोजाना सुनते थे कि ये धमाका हो हाँ। गए दिन में दो दो धमाके और एक धमाके में सौ लोग शहीद हो गए या उन थोड़े कम होते तो डेथ हो गई ठीक है तो अब आप जिस जब इस तरह की फिगर्स आप सुनते हैं तो आप ये अब अब देखें इवन ये गजा वाली जो वीडियोस आ रही हैं या जो वार की वीडियोस आ रही होती हैं आप रोज देख रहे हैं

Uh, जैसे अगर मैं मैं मर्दों की बहुत सारी चीज़ों से इख्तलाफ करती हूँ लेकिन अगर कोई औरत भी कुछ गलत करेगी तो मैं उस पर भी बात करूँगी इस सिर्फ मैं उस इस, इसलिए उनका साथ नहीं दूंगी कि वो औरत है तो इसी तरह हाँ जाहिर है रेशो कम है औरतों का इस तरह का जो तो फेमिनिज्म की तहरीक को भी हमारी ख़वात ने बहुत नुकसान पहुँचाया है क्योंकि हमें जो इसको जिस तरह से लेके चलना चाहिए था अगर उनसे कहो कि नहीं ये तो बिल्कुल नेचुरल है तो नेचुरल तो बंदा बरना पैदा हुआ है तो फिर आप बरना भी हो जाए क्यों नहीं हो सकते तो भाई हर जगह पे बैलेंस होना बहुत सारी चीजों का जरूरी है और हमें उन बच्चियों के लिए वो जो के बिल्कुल घरों में कैद हैं या एब्यूज का शिकार है, उनके लिए अपने आप को रोल मॉडल बनाना है कि यार बाहर निकलने वाली औरत खराब नहीं होती है बोलने वाली औरत खराब नहीं होती है वर्किंग वुमेन खराब नहीं होती है लेकिन अगर आप सोशल मीडिया ने लोगों को इतना ज्यादा जो फ्रस्ट्रेशन है ना निकालने का मौका फ्राह्म कर दिया है तो वो जो सोफोकेटेड माहौल में पली बड़ी बच्चियाँ या लड़कियां हैं या खतियान है उनको जहां मौका मिला तो उन्होंने आप से बाहर होके सोशल मीडिया में एक हाहाकार मचा दी है सच्ची बात यह है और उसका नुकसान जो घरों में बैठी हुई बच्चियां हैं उससे उनका कोई फायदा नहीं हो रहा है बल्कि क्योंकि मर्द तो अभी भी हावी है ना आप निकल गई हैं आपने अपने घर के टैबोस तोड़ दिए हैं वो आप निकल गई हैं लेकिन हर बच्ची तो नहीं निकल सकती है हर बच्ची तो बड़े शहरों में जाके काम नहीं कर सकती है उसको तो वहीं पर रख लेकिन जब सोशल मीडिया हर एक के पास है उसने देखा कि नहीं भाई ये बच्ची तो चीचा वतनी से वहां पहुंची है इस्लामाबाद और यहाँ जाके वो ऐसी ऐसी तस्वीरें लगा रही है ऐसी ऐसी वलगर बातें लिख रही है वट तो वो तो कहेंगे नहीं भाई मैं तो अपनी बच्ची को अपनी बहन को अपनी बीवी को घर से बाहर ही ना निकालूंगा तो ये उसका नुकसान हो रहा है और ये हमारी फेमिनिस्ट जो सो कॉल्ड हैं, वो नहीं समझती हैं इस बात को तो बैलेंस में चलें भाई उन बच्चियों का अब अब आप तो हो गई हैं आप हुँ, करें देखिए मुझे किसी से कोई लेना या देना नहीं ना मैं उन पे ऑब्जेक्ट कर सकती हूँ सब सब इंडिविजुअल सब का सबका अपना आ, वो है राइट right है कि वो जो दिल चाहे लेकिन आप जरूरी नहीं कि हर चीज को आप सोशल मीडिया पे, पे आप अच्छी बातें करें लेकिन मर्दों के बारे में भी बातें करें असल में मैं मुझे बड़ा दुख होता है जब इस तरह के वाकयात रिपोर्ट होते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो लाइक like 50 बच्चियों का जो है वो रेप हो हुँ। गया कोई उस तरह की वीडियो लीक्स होगी और वो कितना हुँ। जो है वो हो गया एंड एट जस्ट अमेजिन क्योंकि मेरा काम इस तरह का मुझे रिमोट एरियाज में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है और जब मैं उसको कनेक्ट करता हूँ कि यार उस फैमिली से उस एक बैकग्राउंड से आ, उस तबके से जब कोई लड़की निकलती है इतनी स्ट्रगल करके उसके लिए बड़ी स्ट्रगल है उस गांव से उस uh, गोट उस गोट से निकलना और उस शहर की यूनिवर्सिटी तक जो है ना वो पहुंचना, पहुंचना और वहाँ से जब इस तरह का वाक्य रिपोर्ट होता है तो वो उस पूरे गांव पे उसकी फैमिली पे और जो आगे जिन्होंने अपनी बच्चियों को बेचना होता है वो कितना ज़्यादा अफेक्ट करता बिल्कुल, है बिल्कुल बिल्कुल और ये भी ये भी पूरे एक एक खास प्रोपेगेंडा होता है होती हैं चीजें मैं ये नहीं कह रही हूँ होती सब जगह है इससे कोई मावरा नहीं है वेस्ट में भी होती हैं पाकिस्तान में भी होती हैं बड़े शहरों में भी होती हैं छोटे शहरों में भी होता हैं होता सब जगह है ज़ाहिर इंसान है गलतियां भी होती हैं बुरे वाक़ भी होते हैं अच्छे भी होते हैं कॉम्बिनेशन होता है लेकिन हमारे यहाँ एक छोटे से वाक्य को बहुत बड़ा करके बताया जाता है और फिर उसके उसके नतज क्या होते हैं अब क्योंकि हमारे यहाँ जो पेट्रिकल सोसाइटी है वो नहीं चाहती है कि जो लड़कियाँ आ रही हैं क्योंकि लड़कियाँ आ रही हैं बाहर कुछ भी है निकल रही हैं हैं बाहर रही रही काम कर हैं तो किसी तरह कैद कैद <laughs> तो, तो ऐसी अपनी बच्चियों को ये ना करें क्योंकि यूनिवर्सिटीज हाँ। में ये हो रहा है तो दुनिया में हर जगह होगा इस तरह तो आप अपने बच्चों को कहीं भी नहीं भेज सकते आप फिर गैजेट्स भी ना दे गैजेट्स में आप हर चीज है आपको हर चीज मिल जाती है, है मिल हाँ, जाती हाँ, है। तो क्या आप देना छोड़ देंगे आप तरबियत सही करें अपने बच्चों की आप उनको सब अच्छा बुरा बताएं तो मेरा ख्याल ये है कि ये चीजें जानबूझ के भी की जाती हैं मतलब यानी कि नहीं लेकिन दूसरा जो अलमिया है वो ये है कि हमारे यहाँ जो है वो मीडिया एथिक्स या रिपोर्टिंग एथिक्स भी तो नहीं है ना ठीक है उस पर मैं चूंकि इवन आई मीन जब टी वी पर देखें और यूट्यूब पर देखें कि हम कितना हमारा लेवल के वो सिर्फ एक थमले लगाने के लिए ठीक है अभी मैं अभी पिछले दिनों मैं कोई वीडियो देख रहा था और उसमें एक छोटी बच्ची का जो है ना सिर्फ वो थमले लगाया हुआ है सिर्फ वो क्लिक करने के लिए एंड दैट वॉज सो हार्ट ब्रेकिंग मैंने कहा कि यार और आगे कंटेंट क्या है वो चीज़ें क्या है हम इतना गिर चुके, गिर हैं।, चुके हैं तो हमारे यहाँ ये एक पूरी वेव तो आई डिजिटल मीडिया की और इंडिपेंडेंट मीडिया की और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की लेकिन उसके एथिक्स के ऊपर उस रिपोर्टिंग एथिक्स के ऊपर उसके जो है वो मैनर्स के ऊपर उसकी अखलाकियात के ऊपर जो है शायद कोई उस तरह से काम नहीं हुआ फिर वही बात आ जाती है ना कि ट्रेनिंग होती है ना ये आपकी अपब्रिंगिंग होती है बचपन से ही सारा कुछ आप सीखते हैं आपका पूरा माशरा आपको सिखा रहा होता है सिविलाइज uh, ऐसे ही नहीं हो जाते हैं ना हम सिविलाइज मेरे ख्याल से शुरू में ही जब इंडिया से हम आज़ाद हुए या अलग हुए तो उस वक्त तो हमारे चूंकि हम एक बढ़े हुए माशरे से पसमानदा माशरे की तरफ आए ना तो उस वक्त हमारी जो रूट्स थी वो हम उसके साथ थे काफ़ी लिबरल भी थे मॉडर्न भी थे मुझे अपना बचपन याद है था का तो डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो चुकी थी लेकिन लेट एटीज तक बहुत खुला माहौल था मेरे स्कूल मे, को एजुकेशन स्कूल था हम लड़कियाँ स्कर्ट्स पहनती थीं और ऑल ऑफ़ अ सडन चेंज ऐसा आया आपको पता ही नहीं चला कि एकदम से शलवार कमीज आ गए हमारे लिए दुपट्टे आ गए तो वो तो बड़ा ग्रेजुअली आपको चेंज किया गया ना वरना तो हमें कभी ये फील ही नहीं हुआ कि ये लड़का है हम लड़की हैं कोई जेंडर का वो फीलिंग ऐसी थी नहीं ये तो आपने क्यूरोसिटी खुद डाली है तो ये सारा कुछ हमने खुद अपने हाथों ही वो किया है और इसमें जिस इदारे का फायदा है वो जाहिर है। नहीं तो आई I मीन mean, के चले हमने अपने हाथों ये सब कुछ कर दिया लेकिन अब इसका हल क्या, हल है? क्या है अब इसका सोल्यूशन क्या है मतलब हम इस हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं इसके अंदर हम जैसे गिने चुने ही लोग हैं और लेकिन हम, लोग हैं लेकिन मैं ये कह रू ना गलत सिमत में जा रहे हैं मैं जो फेमिनिज्म की भी बात कर रही हूँ या जो ड्रामों की भी बात कर रही हूँ अब अलहमरा में बहुत बड़ा एक आ, वो है तबका है जो देखने आता है उसको आप ठीक है आप उसमें डांस रखें लेकिन वो डा, डांस बहुत खूबसूरत चीज है यानी रक्स से खूबसूरत यानी मैं समझती हूँ कोई और एक्सप्रेशन हो, हो ही नहीं ही सकता हाँ। इतनी खूबसूरत चीज है वो जिसको नहीं आता है मैं समझती हूँ कि वो शायद इंसान के रुतबे पर ही फाइज नहीं है

तो अगर एक लड़का या लड़की डांस कर रहा है तो सबसे पहले तो यह उस पर यह ठप्पा लग जाएगा खराब है hmm. तो इस वजह से बच्चे बच्चियां लेकिन आपको एक्सप्रेस तो करना है कथार है ना एक तरह का hmm. Hmm. तो वो चीजें ही नहीं करने दी गई हैं तो अब हम लोग जो वहां पर मेरा यही कहना है कि भाई वहां पर आप अच्छे आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बनाएं आप अदाकारी सिखाने के इंस्टीट्यूशंस बनाएं ज्यादातर सोशल साइंसेज पढ़ाना पढ़ाए सिविक्स होता था एक सब्जेक्ट हमारे दौर में वो खत्म कर दिया गया है तो आपके बच्चों को अब क्या critical पता? Thinking को पढ़ाया जाए रिलीजियस थिंकिंग को पढ़ाया जाए एक चीज को नहीं करें आप तमाम मज़ाहे पढ़ाएं आप तमाम चीजों को हर चीज की जानकारी दें तो फिर बच्चा जो भी उसमें से एक्सेप्ट करता है वो उसकी मर्जी है उसकी च्वाइस है तो ये ये चीज़ होनी ज़रूरी है और इस अभी भी वक्त है मैं नहीं समझती हूँ कि अभी भी हम एक लॉस्ट मैं अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ और हुँ। हुँ। मैं चाहती हूँ कि बेशक थोड़ा सा हिस्सा डाला जाए डालें और उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा आउटकम आता है तो अपने अपने वही बात है कि चमक जलाते जाए लेकिन जाहिर है अब आगे बहुत जा चुके हैं तो ये बहुत स्लो प्रोसेस होगा हाँ इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस लेकिन डू यू फील कि मतलब आ, जो हमारी जो यूथ है या अभी जो बच्चे हैं क्योंकि दे आर वेरी मच एक्सपोज्ड अभी देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई चैट जीपीटी आ गया इन्फॉर्मेशन इतनी इजीली एक्सेसिबल है आपके पास हर जगह पे, हुँ. ठीक है मुझे याद है इवन व्हेन आई वाज स्टडिंग तो अगर हमें कोई रिसर्च करनी थी या कुछ हमें आ, देखना होता था कोई रेफरेंस चाहिए होता था तो हमें लाइब्रेरी जाना होता था उसको Book देखना School होता था गूगल हाँ। पे भी उस तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं, 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 नहीं होती थी ठीक हाँ। है अभी तो इतना एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है और एक ए, एक और डिफरेंट स्केल पे आपका जो है वो है तो डू यू थिंक मतलब ये जो अभी यूथ है आ, इस, ये एक शायद इस, इस मुल्क को किसी और तरफ लेके जाए मैं फिर ये कहूँगी ना कि यूथ हम यानी पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर यूथ की बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान खुश नसीब है क्योंकि जापान देख लें आप या जो यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज हैं वहाँ पर देखें वहाँ उम्र रसीदा लोगों की तादाद ज्यादा है।, है।, है तो ये तो एडवांटेज है पाकिस्तान को लेकिन फिर वही बात है ना जनरेशन जी जो है या वो उसको हमने तशद पसंद बना दिया है और ये जान के बनाया गया है उस पैरामीटर से उनको निकालना है उस जो रट में जो चल रहे हैं ना तो जब आप कहती हैं कि तशद पसंद बना दिया गया तो किस तरह से बना दिया गया लाइक थ्रू दिस इंफॉर्मेशन और मतलब क्या फ्यूल किया गया कि वो उनके देखें जब आपके पास आउटलेट्स नहीं होंगे नौजवानों में एनर्जी बहुत होती है ठीक है हम सब इस दौर से गुजरे हैं और हर उम्र के तकाजे होते हैं जब आपको बंद करके रखा जाएगा आपको लड़की से बात नहीं करने देना है आपके स्कूल्स कॉलेजेस में सेग्रीगेशन हो जाएंगी यूनिवर्सिटीज तक में जबकि अडल्ट हो जाते हैं उस वक्त सेग्रीगेशन दिया आप साथ पढ़ने दें दोनों जेंडर बल्कि अब तो तीन जेंडर्स हैं हाँ। तीन चार वो आ गई हैं अब तो तो सबको एक्सेप्ट करने की आदत होना हम नहीं करते उनको एक्सेप्ट ठीक है दुनिया भर में कर लिया गया हम नहीं करते हमारे यहाँ लड़का लड़की का साथ बैठ के बात करना तो बहुत यानी कि उसी को ही बहुत बुरी निगाह से देखा जाता है तो आप सोचिए कि

जो एलिट तबका है वो तो कर रहा है ठीक है वो तो बाहर भी चले जाएंगे घर में भी उनके बहुत बड़े बड़े घर हैं उनके घर में अंडरग्राउंड पार्टियां हो रही हैं उनके लिए सही है लेकिन वो कितना है जस्ट फाइव परसेंट फाइव भी नहीं है चले think... मैं कहती हूँ पा, पांच कर लेव परसेंट लोगों को जिसमें नौजवान अगर पचास फीसद भी हैं चालीस फीसद भी हैं तो उनका आप जब उनकी सांसें बंद कर रहे हैं तो कोई इमोशनल आउटलेट नहीं है जाहिर है वो कोई जो लड़का है लड़के से मिल लेगा अब तो खैर उस पर भी लोग देख के दो लड़का भी बैठते हैं तो, तो वो हाथ पकड़े में तो हो <laughs> तो ओ, गेज होंगे। तो जब ये हमारे कल्चर का हिस्सा है और ये हर कल्चर का हिस्सा है ये कोई ऐसी बात नहीं है अब चूंकि वाजे बता दिया गया है तो वो हो रहा है पार्क में आप जाएं मैं कितने पुलिस वालों से मैं रोजाना की बुनियाद पर लड़ती थी और अब मैंने अपने पास में जहां मैं रहती हूँ उधर के दोनों पास में मैंने कहा है कि अगर किसी भी पुलिस वाले ने आके किसी लड़का लड़की को उठाया है तो मैं उनको जाके क्योंकि उनको अलाउ नहीं होता है किसी हाँ। भी पुलिस वाले को उनका काम है चोर उचक्कों को पकड़ना ना के दो अगर लव बर्ड्स बैठे हुए या दो दो दोस्त है हाँ, तो ये पुलिस वालों का ये काम तो नहीं है वो आते हैं बच्चे बच्चे अच्छा ज्यादातर वो होते हैं मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की जिनके पास कोई और जगह नहीं होती तो वो बेचारे पार्क में आके बैठ जाते हैं मैं वॉक करने गई हूँ देख रही हूँ दो तीन दफा देखा है वो जाके उनके लड़की का भी वो ले रहे हैं फोन ले लिया और वो बाकायदा बच्ची रो रही है एक दफा मैंने इग्नोर किया दूसरी दफा मैंने जाके उनसे मैंने मैंने कहा मैं आपको अभी मैं फो, आ, उनको फोन करती हूँ एसएसपी को करूंगी एसएचओ को वो देखते हैं कि आप और मैंने कहा मैं अभी तस्वीर आपकी यानी मैंने उनको अच्छी तरीके से उनकी यानी के अपने हाँ, जवान में समझाने हाँ, की कोशिश हाँ, की हाँ, और फिर वो उसके बाद गायब Hmm. क्यों क्योंकि उनके पास वो अथॉरिटी ही नहीं थी hmm. सिर्फ इसलिए वो नाजायज फायदा तो जहां पर ऐसे बच्चों को आप बंद कर रहे हैं तो वो फिर शिद्दत पसंदी की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर क्या करेंगे आप खुद hmm. बताएं hmm. आपको तो तो आउटलेट मिल गया ना हाँ, लेकिन इदर, इदर तो ना लेकिन इधर इधर दूसरा भी है जो कि आई मीन मेजोरिटी के अंदर है जो ये बात करता है कि जब आप बच्चों को इतना फ्रीडम देते हैं hmm. और जब उनको आप इतनी खुली छूट देते हैं तो उसी वजह से माशरे में बुराया आती हैं वो बच्चे बच्चियाँ जो है वो खराब होते हैं और ये हमारी जो इस्लामी जो आते है हैं।, हैं उसके बिल्कुल खिलाफ है आपकी तो सारी बातें ही उनके खिलाफ हैं तो ये क्या है <laughs> ये तो अब हुआ है ना ये तो अब हुआ है मैं मुझे खुद याद है जो मैं जिस इलाके में पली बड़ी हूँ मोहल्ले में पली बड़ी हूँ वो जो मेरी बाजियाँ या जो भी थी उनके हमने अफेयर अपनी आंखों से होते हुए देखा है गलियों में वो और ये नॉर्मल होता है और विच इज नॉर्मल

Progressive progressive थे, होते मैं थे, मुझे अहमद साहब के मैं पिछले दिनों जो है, वो किसका क्लिप देख रहा था अपना जमाल साहब का जमाल शाह जमाल शाह नहीं अभी मेरे जहन से निकल गया अ, लेकिन आई I मीन mean, के वेरी प्रोग्रेसिव क्लिप्स अभी तक अभी आप देखते हैं तो आई मीन इतने प्रोग्रेसिव आपको क्लिप्स और साइंस की बात हो रही है रैशनल थिंकिंग के ऊपर बात, बात हो, हो रही है, है। पॉलिटिक्स के ऊपर हाँ। बात हो रही है और वो आपको पूरी वाइब मिलती थी और आप सीखते थे उनसे हाँ, तो लेकिन वो मतलब अब आज मेरा ख्याल है कि वो पॉसिबल ही नहीं है।, है वो बात हाँ, करना। जाहिर है वो क्योंकि हम आप जिस तरह ढालेंगे ना अब जो आजकल की जो नई नस्ल है वो यही बकवास देखते हुए बड़ी हुई है इसी तरह की चीजें आप अच्छे अच्छे लड़के देखिए पैंट शर्ट पहन पैं लेने से क्लीन शेव होने से आपके अंदर पेट में जो दाढ़ी है वो नहीं खत्म हो सकती है दाढ़ी होना बुरी बात नहीं है ठीक है लेकिन उसको आप उस पैराए में जब करते हैं ना कि लड़कियों को देख के आप कहें कि ये अच्छा करते सारे कुछ वही है हुँ. हो सब स... सबके देखें इंसान है ना सब वही काम करना चाहते हैं जो कि एक शायद मॉडर्न लड़का करना चाहेगा वही एक मजहबी बंदा भी करना चाहता है और इसी वजह से हमें नेचुरल है और हमें इसी वजह से अक्सर देखे जो हमें स्कैंडल्स समय डिफरेंट वीडियो आ रही होती है वो बेचारे फर्स्ट वही होते हैं ना से से की इतनी वीडियोस आ रही होती हैं बड़े बड़े मौलाना साहब की वीडियोस आ रही होती हैं

आई फील के जब 80s में सेवेंटीज़ में थे वो कहते होंगे हमसे पहले वाला अच्छा था और शायद हमारे बाद वाला कहें था yeah, बिल्कुल हाँ नहीं नहीं वो तो है ये, देखो ये आ, अगर इसको आप जर्नल वर्ल्ड वाइड की बात करें तो मैं समझती हूँ कि हमारा माशरा पसमानदा हुआ है hmm. रिज्जत पसंद हुआ है ठीक है इसमें कोई दो राय नहीं है हम ऐसे नहीं थे हाँ एक तबका है जो आ, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार है लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो कि जिन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया है ना बिल्कुल वो कहते हैं कि नहीं यार ये तो दुनिया बस बेकार की है आगे तो तो ज़ाहिर है वो उस पर उनका इतना ज़्यादा बिलीव है मैं ये नहीं कहती हूँ कि वहाँ जाके हो सही हो वो हो कहते होंगे लेकिन अगर आप दुनिया में आए हैं तो आप दुनिया की जो दुनियावी चीज़ें हैं उसको भी इंजॉय करें ना उसके उसमें भी आगे बढ़ें लेकिन आप एक वक्त तो आप इस्लाम की अच्छा वो जो बातें हैं कि उनकी सारी तान इसी पे टूटती है कि लड़का लड़की साथ ना मिले पसंद की शादी ना हो जल्दी उम्र में शादी कर दी जाए लड़कियों को घर में बैठना चाहिए लड़कियों को चार दीवारी में होना चाहिए पूरा फुल पर्दा होना चाहिए यहाँ पर आके औरत पर ही सारी तान टूटती है अगर आपसे ये कहा जाए कि आप बच्चों के साथ रेप क्यों कर रहे हैं आप किसी के तकलीफ़ क्यों पहुँचा रहे हैं सड़कें क्यों बंद कर रहे हैं यू you नो know, इस तरह की चीजें कर रहे हैं कब्जा, कब्जा ग्रुप क्यों है रिश्वत क्यों ले रहे हैं महंगाई क्यों हो रही है या you नो know, इस तरह की चीजें करप्शन है तो ये भी तो यानी ममनू है ना इस्लाम में क्या इसके लिए इजाजत है इनको तो बात तो वही है ना कि सब ने अपने अपने इंटरेस्ट की चीजें अपना 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 इस्लाम का अपना वर्जन, का वर्जन है, बना, लिया बना लिया है, लिया है। तो हाँ। ये चीज है तो भाई इस्लाम, तो आपका इस्लाम का वर्जन कौन सा है मेरा इस्लाम का वर्जन ये है कि जियो जी और जीने दो <laughs> <laughs> सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है और जो देखें सबसे अच्छी बात ये है कि जो आपको अच्छा लगता है आप उसके साथ अपने वक्त गुजारे आप किसी की यानी कि वही बात है ना कि जो आपको नहीं पसंद है उससे ताल्लुक़ करें जो है उसके साथ अपना अच्छा वक्त अच्छा लेकिन आ, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगु हो रही है इस सारी गुफ्तु में एक और जो इंपॉर्टेंट बात है कि जब हमें ये एक्सपोजर मिल जाता है ठीक है जब हम कहते हैं कि हमारा जहन थोड़ा सा खुल गया है और हम शायद एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग माइंड सेट की तरफ और थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं तो फिर तो हमें ये सोसाइटी और फ्रस्ट्रेट करना शुरू कर देती है फिर तो शायद ये आई मीन कि चीज़ें और मुश्किल हो जाती हैं डोंट यू थिंक सो मैं चूंकि इंग्लैंड में भी काफी अर्सा रही हूँ हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं हम लोग बाहर की यानी जो बैरून मुल्क जाके चंद आ, एक महीने के लिए चले गए और पांच छह मुल्क देख लिए ये हमारे यहाँ ये होता है ना आपका जो हॉलीडे होती हैं वो आप एक महीने की ज्यादा ज्यादा करते हैं एक महीने दो महीने की और उसमें आप चाहते हैं कि यार ज्यादा ज्यादा मुल्क देख लिया जाए शेंजन वीजा मिल गया तो आपने आठ दस मुल्क देख डाले और उसके बाद आप आके वहाँ के तारीफों के पुल बांधना शुरू हो जाते हैं वेल एंड गुड बहुत अच्छा है बहुत तारीखी हैं चीज़ें बहुत उनमें सिविलाइज हैं एडवांस हैं लेकिन हर चीज़ भी बिल्कुल ऐसी नहीं है मैंने वहाँ आप जब तक किसी भी माशरे को खुल के नहीं समझ पाते हैं जब तक कि आप उसमें रहकर उस सोसाइटी का हिस्सा बनते नहीं है और वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं नहीं करते नहीं करते तो जब आप रहते हैं कम से कम मैं कहती कम से कम साल डेढ़ साल आपका वहां गुजरता है तब आपको चीजें समझ आने लगती हैं वहां की जो डायमेंशन होती हैं मुख्तलिफ वो आपको समझ में आती है खुलने लगता है माशरा आपके सामने आया होता है तो मैंने जब इतने साल चार पांच साल जब मैं रही हूं तो मैंने वहां की अच्छाइयां भी देखी हैं और बुराइयां भी देखी हैं और बुराइया भी बहुत बुरी बुरी बुराइयां यानी ऐसा नहीं है मैं कभी भी अपने मुल्क में असोल्ट नहीं हुई हूं। मैं वहां असोल्ट हुई पाकिस्तानी हाँ। 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 या बींग मुस्लिम मैं असोल्ट हुई हूँ और बींग बिल्कुल इसी तरह मेरे हस्बैंड असोल्ट हुए हैं बहुत यानी ब्रूटली तो और बहुत सारे ऐसे लोग हैं लेकिन हम छुपाते हैं हम बस वहां की अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ करते हैं दूसरी जो है जो के फैमिली सिस्टम जो है या जो डोमेस्टिक वायलेंस है जो मैंने वहां देखा है कोई फर्क नहीं है यानी हाँ वही बात आएगी कि रेशो कम हो जाता है ठीक है क्योंकि वहां की औरत ज्यादा बाहर निकल चुकी है ज्यादा शूर है उसमें हमारे यहां भी नहीं है लेकिन ये आप ये कहें कि नहीं है वहां पर क्रॉस मैरिजेस जो ये क्रॉस होते हैं बेचारे जो काले और जो उनका हो जाता है क्योंकि मैं जहां पर रहती थी उसके बैक पे जो पूरी कम्युनिटी थी वो थी ही इनकी असायलम्स की या जो सिंगल मॉम्स होती हैं और उनकी हालत देख के आपको एहसास होता है कि यार ऐसा भी मुमकिन है वेस्ट में इंग्लैंड में यू नो इट वाज माइंड बॉगलिंग इज टोटली डिफरेंट तो देन आई रियलाइज बुराइयां जब यहां भी हैं और पाकिस्तान में भी है तो व्हाई नॉट इन पाकिस्तान हम क्यों ना हम पाकिस्तान में वो थोड़ा कम अज कम एटलीस्ट और फिर दूसरा यह है कि जब आपको पेट भर के सब कुछ मिलता है ना यहाँ कुछ भी है मसाइल हैं तो आप बात करते हैं आपके पास बात करने को कुछ होता है आपकी जहनी यहाँ का एक रक्षे वाला भी जो होगा ना वो वहाँ के मासिस से ज्यादा समझदार है उनकी दुनिया वही है यहाँ उसी बॉक्स के अंदर है यहाँ पर आप बात करें सियासत पे बात कर ले किसी भी

को नहीं समझना चाहता तो एक्सट्रीम डिवाइड है लेकिन इसमें एक बात आपने की कि जब आप इधर आते हैं और यहाँ पे आके आप बात कर सकते हैं या आप सवाल उठा सकते हैं लेकिन जहाँ पे एक ट्रेजिडी ये है कि जिस वक्त आप सवाल उठाते हैं और आप बात करते हैं तो फिर आपको कहा जाता है कि शायद आप अपने मुल्क के साथ सेंसेर नहीं हैं आप शायद जो है वो ट्रेटर हैं या आप, आपको अपने मुल्क की हमेशा बुराइयाँ ही दिखती हैं आपको वो अच्छा जो है वो क्यों नहीं, नहीं दिखती हाँ तो आप I mean, आप इस आर्गुमेंट का आप क्या करें और उसी वजह से वो नए कि like, बिल जो है पास हुए तो है। और I, I mean, कि इसको किस तरह से फिर आप काउंटर करें ये, ये जो आ, मसला जैसे आप कह रहे हैं क्योंकि हम तो बात करते हैं कि उस मसले का कोई हल निकाला जाए उस पर हो, हो ओनरशिप नहीं, करेंगे, आप उसकी ही नहीं लेंगे, आप करते, करते ही नहीं, ही नहीं है तो उस हम तो इस कर... बात की भी ओनरशिप नहीं लेते हैं कि एपीएस हुआ हम इस बात की भी एक्सेप्टेंस हमारे पास नहीं है कि बांग्लादेश कैसे बना तो हम तो इसको हम किस तरह की फिल्में बना रहे हैं ठीक है हम अभी तक उसी पुराने दौर में जी रहे हैं अब जंगे उस तरह नहीं लड़ी जाएंगी जो कि पहले लड़ी गई हैं इकहत्तर की जंग या पैंसठ की जंग ठीक है वो वो दौर गया अब माची जंग लड़ी जाएगी इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल और... आपकी ग्रोथ होगी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एंड बोथ आर कनेक्टेड टू इच अदर तो अगर आप इकोनॉमिकली मजबूत हैं अब आप सिर्फ एक छोटी सी मिसाल ले लें नागासाकी हिरोशिमा पे अमेरिका ने बम गिराया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा वायलेशन कर रहा था जापान उसके बाद तबाह हो गया था बिल्कुल तबाह जर्मनी की मिसाल ले, ले, ले तबाह हो गया था हिटलर के बाद वर्ल्ड वॉर के बाद फौज की उनको मना दी थी कि फौज नहीं हो सकती तो क्या उन्होंने तरक्की नहीं की एशिया का सुपर पावर है इस वक्त इंडिया तो अब हुआ है ना सारी टेक्नोलॉजी हम वहीं से ही लेते हैं हमारे पास गाड़ियां सब हाँ। जापान से चाइना का देख लें आप उन्होंने अपनी पूरी इतनी बड़ी आबादी को किस तरह से उन्होंने मैनेज किया, किया हाँ। है और सबको जरूरी नहीं कि सब तालीम याफ्ता होंगे हाँ। हुनर दिया है उनको काम करना सिखाया है और बहुत मेहनती कौम है चाहे आप चाइना ले कर मैंने खुद जापान में ऑब्जर्व किया है कि एक एक बंदा यानी कि मैंने इतना साफ मुल्क शायद नहीं देखा है। कई मुल्कों में मैं घूमी हूँ लेकिन जापान में जो सफाई का जो एक एक मैार है, मैार है और आंखें खोल देता है आपको कि ऊंची ऊंची इमारतें हैं और वो शीशे की हैं और इस तरह से जगमगारी होती है कि हैरानी होती है कि ऊपर तक कैसे गए कैसे गए होंगे हाँ। तो भाई फौज नहीं उनकी उनके पास एटम बम नहीं है बट दे आर टॉप ऑफ दैट ठीक है तो हमारे यहाँ क्या हुआ है कि हमने सारा अपनी आवाम का पैसा निकाल के या तो दहशतगर्दी दहशत गर्द गर बनाए भी खुद ने उनको मारने की प्लानिंग भी खुद करते हैं उनको अपने हिसाब से रखते हैं बचाते हैं फिर मारते हैं ये पिछले सत्तर साल से एक ही कहानी और वो कहानी चेंज भी नहीं हो रही है अफसोसनाक बात यह है कि स्क्रिप्ट वही है तो रिपीट हो रहा है रिपीट हो रहा है अब अब समझ में आने लगी है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है बेशक उस तरह से नहीं आ रही है हाँ, आप, आप को कितना कर कितना लेंगे? कर सकते, हाँ. रोक सकते हैं तो हुँ. वो इस तरह से हैं चीज़ें और मुझे फिर भी यही होता है कि नहीं को एक वक्त आएगा शायद हमारी जिंदगी में ना आए हुँ. लेकिन हो सकता है कि हमारी आने वाली नस्लें एक अच्छा पाकिस्तान देख सकें या अगर हमें हमारी दुआ तो ये देखें मुल्क तो हमारा कितनी जाएंगे मुझसे अक्सर ये लोग गई एक जवाब देती हूँ हम इंग्लैंड में थे तो उस वक्त टोनी ब्लेयर की गवर्नमेंट थी और तीन साल में इमिग्रेशन मिल जाती थी तीन साल और हम पांच साल रहे वी डिड नॉट अप्लाई फॉर इमिग्रेशन नाइदर वी वॉन्टेड टू लिव देयर ठीक है तीन बच्चियां थी वी हैव टेकन देयर पासपोर्ट बट वी डिडन्ट हम वापस आए और ये हमारा हतमी फैसला था हो सकता है ये गलत हो मैं ये hmm. नहीं कह रही हूँ कि मैंने hmm. बहुत अच्छा फैसला किया या मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छा फैसला किया hmm. लेकिन वापस आए क्यों क्योंकि हमें एक उम्मीद थी कि नहीं यार आएंगे और बच्चों में अगर खुद से एबिलिटी होगी hmm. तो वो जाएंगे देखें बाहर जाके पढ़ना गुजारना बिल्कुल बुरी बात है लेकिन एक वक्त था वही बच्चे जा पाएंगे जो वाकई पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं नंबर वन या जो फाइनेंशियली uh, बहुत स्ट्रॉग है तो वो ऐसे कितने लोग हैं अब आप खुद बताए अगर लेकिन जो ऐसे नहीं है वो टंकी लगा के जा रहे फिर भी देखें जितना भी आप बेचारे वो तो अच्छा, अच्छा चले माइंड सेट तो है ना कि इस निकल जाएं। जाएं। नहीं रहना निकल सो दिस इज़ तो देर ना आप उसको कैसे चेंज करेंगे जब वो ओनरशिप भी खत्म होगी जब इकोनोमिकली इतनी चीजें मुश्किल हैं लोग बिलो पावर्टी रह रहे हैं आ, कोई लाइवलीहुड के सोर्सेस नहीं है कोई बिजनेस नहीं है कोई जॉब्स नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट आप देखें कहाँ पे चली गई है सो एवरी वन वॉन्ट्स टू लीव आप जिससे बात करते हैं आधर वो अच्छा इस्टेब्लिश है या जो है वो बिल्कुल वो बिलो पावर्टी स्ट्रगल कर रहा है तो एवरी वन टू लीव एवेंचुअली वो जो है वो ओनरशिप नहीं लेते उसके बाद सिर्फ इतनी ओनरशिप रह जाती है

अच्छे प्रोजेक्ट्स किए और ही इज़ आई मीन कि उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ आई एम जस्ट लिविंग आई डोंट नो कि व्हाट टू डू हियर ठीक है तो एवेंचुअली ये जो टैलेंटेड लोग हैं आईटी के अंदर देखें किसी भी इंजीनियरिंग के अंदर देखें वो जिसको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है दे आर लिविंग तो जब ये पूरा ब्रेन निकल really? जाएगा हाँ. तो वट दिस बॉडी इज़ गोइंग टू डू ये ये ये, ये लम्हा फ़िक्रिया है ये परेशानी का बायस है कि जो अच्छे दिमाग हैं नई नस्ल के वो जा रहे हैं या जो आ, काबिल लोग हैं चाहे वो किसी हुनर में हो चाहे किसी एकेडमिक में हो किसी भी आ, शोबे से वाबस्ता हो वो उनको जैसे ही मौका मिलता है वो आ, या तो यूरोप या अमेरिका या कनाडा की तरफ दौड़ लगा रहे हैं तो ये ख़तरनाक एक वो है और फिर मैं वही कहूँगी इसमें ना मैं कुछ कर सकती हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं इसमें हमारी गवर्नमेंट हमारे इदारे जो इसके मकतदरा जो हल्के हैं जो डिसीजन ठीक है, की बात नहीं हो रही है हाँ, पर. वो लोग जो के तमाम फैसले अपने पे करते हैं तो यही ना जब भी तो उनको फिक्र नहीं है जब भी तो उनको कोई फिक्र नहीं है कि भाई जो भी हो भाड़ में जाए हाँ, लेकिन मैं उनसे सिर्फ एक यही सवाल करना चाहूंगी कि अगर पाकिस्तान ही नहीं रहेगा ठीक है मुल्क ही नहीं रहेगा तो आप खाएंगे क्या पाकिस्तान तो ये कैसी बात आपने कर कर दी है पाकिस्तान पहले खत्म तो हो चुका देखे पच्चीस साल में ही बांग्लादेश बन गया तो पाकिस्तान तो वाला रहा ही नहीं जो उस वक्त हुआ था पाकिस्तान तो जो है वो जिस मुबारक रात में पाकिस्तान का वजूद हुआ था तो मेरा नहीं ख्याल के पाकिस्तान को तो कुछ हो सकता है नहीं हमारी भी दुआ यही है कि हाँ। खुदा ना करे कि ये कभी खत्म हो हाँ। जैसे ही चल रहा है चलता है वो अलग बात है कि देर आर डिफरेंट वो आ रहे होते हैं वो मिथ सारी होती हैं और नई नई जो है वो थीरी सारी होती हैं कि ये है, आएगा कराची डूब जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा नहीं नहीं वो दुआएं हैं इस पर हाँ तो उस पर लेकिन खैर जो हमारा एक्चुअल जो टॉपिक जो वो कहीं तो गया हमारी अपनी जो <laughs> जो है वो वो आ आ है, के जो है वो वो ज्यादा आ गई के थिएटर हवाले से लेकिन बस हम इसको क्लोज करते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे पास भी अक्सर स्टूडेंट्स uh, भी आ रहे होते हैं और बच्चे बच्चियाँ के भी वी वॉन्ट टू बी एक्टर वी वॉन्ट टू बी एक्ट्रेस और हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए फिल्म में हो थिएटर में हो बस हमें स्क्रीन के ऊपर दिखना है हमें नजर आना है तो वो आई मीन दे आर रेडी टू डू एवरी थिंग आई मीन के वो अपनी एजुकेशन को सेक्रीफाई करने के लिए रेडी हैं वो उनके पास जो दो चार पैसे हैं वो लगाने के लिए तैयार हैं जिसके अब्बा के पास ज़्यादा पैसे हैं वो प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है तो उनको हाउ आई मीन के एस एन थिएटर प्रोड्यूसर आपके पास टैलेंट आता है आप लोग ऑडिशन करते हैं तो वट वुड यू एडवाइस बहुत आसान होता है ये कहना कि आई कैन डू एवरी थिंग ठीक है ऐसा मुमकिन नहीं है especially इवन इन ड्रामाज एज वेल जो नए बच्चे बच्चियाँ जाते हैं उनको हमारे जो इस्टेबलिश अदाकार हैं या जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स होते हैं वो उनको पूरा पूरा दिन बिठा के रखते हैं मेरे ख़ुद अपनी टीम के बच्चे जाते हैं करने के लिए अब ये नए चैनल्स जो आए हैं उसमें काम करने के लिए छोटे छोटे से किरदार होते हैं जस्ट विद इन मिनट्स में उनका काम ख़त्म होना होता है लेकिन वो सुबह छः बजे से गए उनको बुला लेते हैं छः बजे और रात के तो वो ये है इसमें हम ज़ाहिर यह एक्सप्लेक्टेशन नहीं है लेकिन जो रिहर्सल होती है उसमें आपको आना रोज आना और फिर आपको ये पता होना कॉन्फिडेंस का होना नंबर वन क्योंकि आपके पास मार्जिन नहीं आ, एक लाइव ऑडियंस के सामने आपने करना अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं उसी वक्त आपको पता चल जाएगा कि आप इस काबिल हैं कि आप ऑडियंस को फेस कर सकते हैं या नहीं तो वो तो मैं अभी इस इस मरले पर जबकि अभी हमारी शुरुआत है तकरीबन दो ढाई साल ही हुए हैं तो अभी मैं कोई भी इस तरह के बच्चे आते हैं जो बहुत कमिटेड है तो मैं उनको यही कहती हूँ करें आप कर सकते हैं एक महीना दे सकते हैं उनसे कमिटमेंट करते हैं लेकिन मैं देख लेती हूँ अगर उनमें से कुछ लोगों का है को, कोई भी इशू हो सकता है तो मैं फिर उनसे माजरत करूं ले लेकिन बीइंग अ थिएटर आर्टिस्ट इट्स नॉट ईजी नॉट ईजी नॉट ईजी और ना ही अच्छा बच्चे ये समझते हैं वो अभी भी एक बच्चे का मेरे पास मैं सब कुछ कहूंगा मैं आऊंगा मैंने कहा आज वो वही देखने आ जाओ

ये जो शिद्दत पसंदीय तशद आमेज जो रवैया है ये खत्म होंगे क्योंकि आपको एक खुली फिजा में सांस लेने का मौका मिलेगा सिंपल सी सिंपल लेकिन वो ऐसा कैरियर लेके चल सकते हैं आप पता है बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है ये हम मैं और मेरी बहन अपने खुद इस्तेमाल करते हैं सिर्फ एक वो कीड़ा है उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलती है कि यार चलो कर रहे हैं कुछ ना कुछ काम अदरवाइज इसमें कोई पैसा नहीं है हाँ। कोई पैसा नहीं आपके पैसे जाहिर आउट ऑफ योर पर्सनल पैशन कोर्स पूरा का पूरा जाहिर है हम रिहर्सल करते हैं ए चल रहा है खाना पीना चल रहा है आप इवन स्नैक्स भी देते हैं तो उसमें भी आपका खर्चा होता है जो बच्चे आ रहे हैं वो अपनी मोटर बाइक्स पे या गाड़ियों में आ रहे हैं थक रहे हैं हर कोई अपनी सब अपनी एफर्ट्स लगा रहा है कोई किसी से कोई तकाजा नहीं कर रहा तो वट इज द रिवार्ड देयर इस ये ये जो मुल्क है uh, अफसोसनाक है इसमें कोई भी क्रिएटिव काम करने वाला चाहे वो लिखने वाला हो चाहे पढ़ने पढ़ने वाला हो चाहे फिल्म मेकर हो चाहे यू you नो know, hmm. जो कि डिफरेंट काम करना चाहता है उसके लिए यहाँ पर कोई अप्रिसिएशन नहीं है hmm. कतन नहीं है और बीइंग अ वुमेन हमारे यहाँ तो एक तो हर तरफ जो ये पेट्रैकल सोसाइटी है वो जरा सी भी कोई कबूल सूरत औरत को देख के आप उनसे काम मांगे जाएंगे तो सबसे पहले उनकी ये एक्सपेक्टेशन ही दूसरी होती है पता नहीं कि भाई ये कौन है बड़ी मॉडर्न होंगी यू you नो know? हाँ। तो वो ये ये भी एक तरह का मैं समझ रही थी वो ठड़क जाग उठती है हाँ हमारे यहाँ तो हर <laughs> और मैं बताऊ ज्यादातर मर्द अच्छा वैसे हमारी गुफ्तगु थिएटर पे होनी थी लेकिन ये पॉलिटिक्स वाली तरफ जो है वो ज्यादा चलेगी और लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आर्ट इज बिल्कुल मतलब आपका भी अब आप जो भी थिएटर प्लेस लकीर को देख लें या आई I मीन mean, जो मंटो की जो कहानियाँ हैं या मतलब वो पॉलिटिक्स हार देर आप उसको अलग तो कर नहीं सकते हैं और ये पॉलिटिक्स ही हमें इंस्पायर कर रही होती है इन इन कहानियों को डेवलप करने में इनको बनाने के अंदर एक अच्छा लिखारी और एक अच्छा फिल्म मेकर या ड्रामा प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कोई भी किसी कोई भी मीडियम कोई भी, जो होता है हाँ, ना परफॉर्मिंग आर्ट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स का, हाँ, का कोई भी सियासी सियासी شعور के बिना उसमें वो डेप्थ ही नजर नहीं आ सकती आपको अगर मैं कुछ लिखूंगी या आप कोई फिल्म बनाएंगे उसके पीछे सारे सियासी عوامل जरूर होंगे मतलब वो पॉलिटिकल कहीं ना कहीं से आप आ, हाँ। आ, आ, रहा आ रहा होगा लेकिन दी थिंग इज अभी तो वी फील वेरी प्राउड कि वी आर नॉन पॉलिटिकल हमारा तो कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है खासकर अभी ए पॉलिटिकल जो हाँ हा, ए, हा, तो बेसिकली अभी जो यूनिवर्सिटीज में मैं देखता हूँ ना जो मतलब अक्सर ये होता है कि जो अब ये जेंट जी की हम जो बात कर रहे हैं अपनी यूथ की बात कर रहे हैं तो चूंकि उनके माइंड में ये बताया गया है कि जो सियासत है वो है ही गंदी चीज़ ठीक है आपका जो है वो सियासत से ताल्लुक ही नहीं है सियासत दान भी जो है कोई उनका अच्छा किरदार नहीं होता उनके कैसे कैसे स्कैंडल्स आ रहे होते हैं तो नो वन वांट्स टू बी कौन मुझे बताएं पॉलिटिशियन बनना चाहता है होना तो ये चाहिए ना कि आप सिस्टम का हिस्सा बने आप पॉलिटिक्स के अंदर आए और आप अपनी सोसाइटी के अंदर अपने हल्के के अंदर अपने लोगों के अंदर जो है वो चेंज ला कि दिस एक ही जगह से जाके मिलता है, है। तो ये किसके मफाद में जाती है ना मेरे मफाद में जाती है ना आपके ना किसी और के अवाम के मफाद में नहीं जाती है कि डेमोक्रेसी या सियासी अमल सबोटाश हो ठीक है उसमें तसल्स ना रहना आवाम के

तो हम उसको क्वेश्चन करें okay. और वी शुड कम अप विद आवर ओन एनालिसिस कि हम अपनी उस सिचुएशन का एनालिसिस लगाए निकालें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थैंक यू सो मच और होप टू सी यू इन अनदर सेशन सोन मेरा ख्याल है जो थिएटर पे बात है वो फिर हम अगली दफा करेंगे चलें थैंक यू थैंक यू